नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं 12th चैप्टर और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत में कब आए और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना रूल कैसे इस्टेब्लिश किया पूरे भारत पे। तो सबसे पहले जो अंग्रेज है वो आए थे मुगलों के समय में। कब आए हैं? मुगलों के समय में, जिस समय में भारत में जहांगीर का टाइम था उस समय में हुई अंग्रेजों की एंट्री। और अंग्रेज यहाँ पर जो आए, मतलब 1608 के आसपास अंग्रेज यहाँ पर मेनली आए थे ढंग से। उसके बाद उन्होंने मुग़ल बादशाह से क्या ले लिया, एक फरमान ले लिया कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री लगाने दो। सूरत जो गुजरात का जो किनारा है वहाँ पे सूरत बंदरगाह था, जो हमने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था कि जहाँ शाहजहाँ उसकी बेटियाँ जो हैं वो सूरत से व्यापार करती थी, तो वही सूरत बंदरगाह जो है वहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने का फरमान लिया या ऑर्डर लिया। किससे? मुगलों से, अंग्रेजों ने। ठीक, तो 1608 के बाद भारत अंग्रेज जो है उनकी एंट्री हुई है भारत में। और अब बात करते हैं, क्या सिर्फ अंग्रेज लोग भारत में आए थे, उनके अलावा और कोई यूरोपियन कंट्री नहीं आई? बिल्कुल, उस समय पे सिर्फ अंग्रेज नहीं, उनसे पहले भी बहुत सारे लोग भारत में आ चुके थे। तो आप सबको पता होगा कि भारत की खोज करने वाला जो कहा जाता है वो कहा जाता है वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा ही पहला आदमी है जो इन यूरोपियंस कंट्रीज़ में से सबसे पहले भारत में आया था। वो आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। तो 1498 में पुर्तगाल का एक आदमी भारत में आया था जिसका नाम है वास्को डी गामा। उसके बाद वहाँ के सारे देशों को पता चला कि एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारा हम व्यापार कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे हम मसाले ले सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे मतलब सोना वगैरह, मतलब पूरा रिच कंट्री है, बहुत पैसा ही पैसा है वहाँ पर। चाहे हम वहाँ पर व्यापार करें या हम कुछ भी वहाँ पर स्टार्टिंग करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए बहुत सारे देश यहाँ पर आने लगे। तो सबसे पहला जो देश भारत में आया था अंग्रेजों से भी पहले वो था पुर्तगाल। कौन सा था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा के बाद बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी जो हैं वो भारत में आए और गोवा जो है, गोवा की पणजी में वो मतलब बस गए। बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, वहीं से बिजनेस शुरू कर दिया। मसालों का व्यापार वो मेनली करते थे, यूरोप में वो मसाले भेजते थे। ठीक, तो उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, तो यूरोपीय जो है उनको देख कर और भी आने लगे। उसके बाद आए डच लोग। कौन आए? डच। डच जो हैं वो, डच बोला जाता है नीदरलैंड के लोगों को। तो डच जो हैं वो भी आए भारत में, उन्होंने भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाई। तो जो हमें पता है कि जो पुर्तगाली आए उन्होंने कहाँ पर लगाई? पणजी में फैक्ट्री लगाई है। उसके बाद जो डच लोग आए हैं उन्होंने मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम कह सकते हो आप, वहाँ पर फैक्ट्री लगाई है। ठीक, उसके बाद आए हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने लिया मद्रास वाला एरिया, अंग्रेज उन्हें लगाई फैक्ट्री मद्रास में। पहले तो सूरत में परमिशन ली थोड़ी सी, सूरत में उन्होंने छोटी सी फैक्ट्री लगाई, उसके बाद जो उन्होंने बड़ी फैक्ट्री लगाई वो लगाई थी मद्रास में। ठीक, तो अभी तक हमने तीन पढ़ लिए। सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, उसके बाद आए हैं डच वाले लोग, उसके बाद आए हैं अंग्रेज, उसके बाद अब आएंगे फ्रांसीसी लोग। अब अंग्रेजों के बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। और अब इन चारों यूरोपियन जो ये हैं, ये कंपनियां हैं, इनमें आपस में हुई पूरी प्रतिस्पर्धा, आपस में इनका कंपटीशन होने लगा बहुत ज़्यादा। बिजनेस के नाम पर मतलब बहुत पैसा सब भी कमाना चाहते थे, तो इससे क्या हुआ, इनका जो आपस में दोस्ती थी वो दोस्ती नहीं रही, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे को कैसे हराना है व्यापार में, कैसे एक दूसरे को नीचा करना है, यही काम ये करते रहते थे। इनकी बहुत सारी आपस में लड़ाई हुई हैं। तो पुर्तगाली वगैरह तो मतलब छोटे लेवल पर थे, पर जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे ये बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करते थे, और इनके पास खुद की आर्मी भी थी, पूरी सेना होती थी, और इनके बहुत सारे युद्ध हुए हैं। युद्ध वगैरह हमें नहीं पढ़ने 12th क्लास में बिल्कुल भी। तो आप अभी यहाँ पर ये जान लो कि जितने भी ये कंपनियाँ थी इनके आपस में कंपटीशन चला, युद्ध हुए, और इन सब में जो सबसे हाईफाई निकले और जो सारे युद्ध वगैरह जीत कर जो आगे तक पहुँचे वो पहुँचे अंग्रेज। तो ये बाकी तो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, पर जो अंग्रेज है वो यहाँ पर बिल्कुल अपनी जड़ें जमा कर बैठ गए, और अंग्रेजों का राज अब शुरू होगा व्यापार से। तो अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने। पहला मैंने आपको बताया कि 1608 में वो आए थे,
यहाँ पर उन्होंने लगभग 7-8 साल के अंदर अंदर ही सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेनी थी। उसके बाद उन्होंने 1639 में जो विजयनगर हमने पढ़ा था, विजयनगर में पढ़ता था मद्रास, तो विजयनगर के राजाओं से परमिशन ले ली थी मद्रास में फैक्ट्री लगाने की। ठीक, तो मद्रास में उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। अब यहाँ से उनका पूरा टर्न होगी, पूरी लाइफ ही कि एक बिजनेस करने वाली एक छोटी सी कंपनी अब क्या करेगी, पूरे देश पर राज करेगी। तो पहले आए सूरत में, उसके बाद वो गए मद्रास में, उसके बाद वो पूरे मतलब अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्रियां लगाने लगे। और हुई एक बार लड़ाई थी 1757 में, जिस लड़ाई का नाम था पलासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई है? पलासी की लड़ाई। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई हुई थी 1757 में पलासी नाम की जगह पर। और इस लड़ाई में जो अंग्रेज हैं वो अपना दिमाग चलाकर, अपनी कूटनीति चलाकर धोखे से सिराजुद्दौला को हरा चुके थे। उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया, उनके सेनापति को ही अपनी तरफ अंग्रेजों ने कर लिया था। तो अंग्रेजों ने उनके सेनापति को अपने में मिला लिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है 1757 की, इसके बाद जो अंग्रेज हैं वो भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करने लगे। अभी तक सिर्फ वो व्यापार में इंटरफेयर करते थे, अब उन्हें बंगाल पे कब्जा मिल गया पूरा, बंगाल से पूरा, ना उन्हें टैक्स देना किसी को ना कुछ, क्योंकि उनका राज हो गया सीधा सीधा बंगाल पर। तो सिराजुद्दौला के मरने के बाद पूरी मनमानी चलने लगी किनकी? अंग्रेजों की, और बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब बंगाल से तो पूरा व्यापार वो करते थे ना, उन्हें कोई टैक्स देना किसी को ना कुछ है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया यहाँ से बंगाल से। उसके बाद वो और भी जितने छोटे छोटे राज्य थे सभी के साथ यही काम करने लगे। हमारे जो जितने भी राज्य थे वो आपस में एक साथ तो थे नहीं, सभी अलग अलग थे, टुकड़ों में बटे हुए थे, एकता की कमी थी भारत में। इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और उनके आपस में लड़वाते रहे और क्या करा, देश पर पूरे पर राज कर लिया ऐसे ही। ठीक है, तो अंग्रेज जो है उन्होंने इस तरीके से एक बिजनेसमैन के रूप में एंट्री की थी, व्यापार को बढ़ाया। यहाँ से वो कपड़ा, उसके अलावा मसाले और ये सारी कच्चा जो रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल, उसको ट्रांसफ़र करते थे यूरोप में और वहाँ से वापस वहाँ पर बेचते थे, यहाँ पे पैसा लाते थे, यहाँ से सारा धन वगैरह, यहाँ का जितना भी माल था सभी कहाँ बेचते रहते थे? यूरोप में बेचते रहते थे, अपने इंग्लैंड में बेचते रहते थे। तो अंग्रेजों ने व्यापार के दम पर यहाँ पर स्टार्टिंग की, उसके बाद अपना दिमाग चलाकर, लोगों को भड़काकर, आपस में दुश्मनी करवाकर, ठीक है, कूटनीति का प्रयोग कर सभी राजाओं को आपस में लड़वाया, आपस में फूट डाली उनके बीच में और क्या किया, यहाँ पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। ठीक, उसके बाद अंग्रेजों का राज हुआ भारत पे। उसके बाद अंग्रेज जो हैं, अब हमारा चैप्टर मेनली यहाँ से शुरू होता है ढंग से कि अंग्रेज जो है उनका राज जब हो गया था 1757 के बाद की बात है, तो उन्होंने जो नए शहर हैं वो किस तरीके से बसाए थे, इसमें हमें सारा पढ़ना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इन शहरों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नए शहर थे उनकी बनावट किस तरीके की थी और क्या क्या उनमें खास बात थी। तो आप सबसे पहले देखो कि जो नए शहर थे वो कैसे थे। तो सबसे पहला पॉइंट नए शहर में आएगा कि शहर बनाने से पहले मैप बनाए गए, यानी मानचित्र बनाए गए। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अंग्रेज जो है वो मानचित्र क्यों बनाते थे। तो अंग्रेज जो है वो हमेशा पहले मानचित्र इसीलिए बनाते थे ताकि उन्हें किस तरीके से शहर बनाना है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग होगी, किस तरीके से ऑफिसेज होंगे, किस तरीके से सड़कें बनेंगी, कहाँ पर पार्क बनाने हैं, कहाँ पर क्या बनाना है, मतलब पूरा मैनेजमेंट होगा उनके पास। इसीलिए वो पहले अपना पूरा मैप तैयार करते थे कि यहाँ पर बिजनेस की चीज़ें होंगी, यहाँ पर हमारी फैक्ट्री होगी, यहाँ पर हम फोर्ट बनाएंगे। तो ऐसे कर करके वो अपने शहर बसाते थे। तो सबसे पहला काम वो शहर बसाने के लिए करते थे मैप बनाना, मानचित्र बनाना उनका। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ है जनगणना करना। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली बार शहरों में जनगणनाएं की थी। जनगणना पता ना, सेंसस जो होता है कि कितने आदमी हैं कितने नहीं है, सारे काम अंग्रेजों ने किए थे। तो जनगणना करने का मेन टारगेट क्या था? तो जनगणना करने से उन्हें पता चलता था कि हमारे शहर में कितने आदमी हैं, किस तरीके से किसको कहाँ पर बसाना है, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, भारतीय कितने हैं, बाहर के कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, सारी चीज़ें उन्हें जनगणना करने से पता चलती थी। तो ये डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद कर लो, अभी नोट डाउन कर लो कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, पर यह सिर्फ एक ट्रायल था, अंग्रेजों ने करके देखा था कि ढंग से सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
उसके बाद 1881 में की गई जनगणना, और वही से हम उसको जनगणना पहली मानते हैं, क्योंकि उसके बाद हर 10 साल में जनगणना आज तक हम करते आ रहे हैं। तो पहली हुई थी 1872 में, वो सिर्फ एक ट्रायल था। उसके बाद 1881 में हुई है जनगणना पहली, और उस जनगणना के बाद लगातार हर 10 साल में भारत में जनगणनाएं की जाती हैं। क्लियर? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले जनगणना की है 1881 में, उन्होंने जनगणना की है। तो 1881 से लगातार अब तक हम जनगणना करते आ रहे हैं। अगर आपसे पूछते हैं पहली बार ट्रायल कब किया गया, तो आप बताओगे 1872 में किया गया। अगर आपसे पूछते हैं नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई, तो आप बताओगे 1881 से नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई भारत में। ठीक। अब इन नए शहरों में एक और नई चीज़ आई, वो है मॉडर्नाइजेशन। अब अंग्रेज जो हैं वो आधुनिक हो गए, बिल्कुल मॉडर्न शहर बना दिया इनको। पहले जैसे इंडियन सिटीज़ थी, जैसे मुगलों के टाइम पे थी, वैसे शहर नहीं थे, बिल्कुल डिफरेंट थे पुराने शहरों से, क्योंकि इनमें यूरोपियन कल्चर था पूरा का पूरा। क्लब बनाए अंग्रेज़ों ने, बार बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए, होटल्स बनाए, पार्क वगैरह बनवाए, मूवी हॉल्स बनवाए। तो ये जो शहर है, इनका रूप पूरे तरीके से बदल गया। उसके बाद एक चीज़ और आई, वो थी रेलवे। अंग्रेज जो हैं वो रेलवे को भारत में लेकर आए, और रेल के आने से क्या हुआ, जो व्यापार था उसका बिल्कुल रूप ही बदल गया। पहले क्या होता था, जहाँ पर साधन है वहीं पर लोग बसते थे। मान लो अगर कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, तो जिस एरिया से कपास ज़्यादा होता है वहीं पर फैक्ट्री लगती थी, वहीं पर सारे मजदूर रहते थे। पर अब रेल के आने से क्या हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया, सामान एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगा। तो अब ऐसी कोई खास वो नहीं रही थी कि जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं वहीं पर फैक्ट्री हो, काम कहीं और हो सकता था, मजदूर या और भी जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग रह सकते थे। तो ऐसे बनने लगे शहर। अब तीन शहर आप याद करोगे अच्छे से जो डेवलप किए हैं अंग्रेजों ने, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। इन तीनों शहरों की ही मेन खास बात हम बता रहे हैं कि इनमें मैप बनाते थे वो हमेशा, जनगणना करवाई जाती थी, उसके अलावा ये सारी चीज़ें, पार्क वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, रेलवे लाई गई थी। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें पहली बार रेलवे लाई गई थी। डेट आप याद रखोगे, रेलवे भारत में कब आई, 1853 में आई। कब आई है, 1853 में। तो रेलवे आई, रेलवे के साथ साथ बस वगैरह और छोटी मेट्रो टाइप ट्रेन्स हैं वो भी चलाई अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास बहुत डेवलप सिटीज़ बनने लगी। अंग्रेज जो हैं यहाँ पर नई नई सुविधाएँ लेकर आने लगे। तो अब तक हमें दो बातें पता चली हैं इन शहरों के बारे में। पहली कि यहाँ पे नक्शे बनाए जाते थे पहले, उसके बाद दूसरी हमें पता चली यहाँ पर जनगणना करी जाती थी। उसके अलावा हमें एक और बात पता चली कि ये शहर बिल्कुल मॉडर्न बनाए गए और यहाँ पर रेलवे वगैरह सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद एक और है, अब इन शहरों में बनाई गई म्युनिसिपैलिटी। जैसे आज आपके भी शहर में होगी नगर निगम जो होती है, साफ़ सफाई की जिम्मेदारी रखना, सड़कों की जिम्मेदारी रखना, ये सारे उस म्युनिसिपैलिटी के काम होते हैं। तो ये सारे काम दिए गए म्युनिसिपैलिटी को, और इन शहरों में साफ़ सफाई रखने के लिए क्या बनाई गई, म्युनिसिपैलिटी बनाई गई। तो ये थी इन शहरों की खास बातें। अब आपको तीन चीज़ याद रखनी है, वो है तीनों फोर्ट। अंग्रेजों ने जो अपने फोर्ट बनाए थे, अपने किले बनाए थे अलग अलग इन तीनों शहरों में, तो तीनों शहरों में जो जो किले बनाए हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं। तो पहला जो है वो है मुंबई। मुंबई में पहला किला बनाया गया वो है फोर्ट नाम से। इसका तो कुछ नाम ही नहीं आपको याद हो जाएगा सीधा, कौन सा फोर्ट है, खाली नाम ही उसका क्या है, फोर्ट है। उसके बाद जो कलकत्ता में किला बनाया गया उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। क्या नाम है, फोर्ट विलियम, नोट डाउन कर लो इनको। मुंबई में खाली फोर्ट और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। उसके बाद जो मद्रास है वहाँ पर बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब ये एक किले होते थे, किले का पूरा एरिया घेर लेते थे, उसमें अंग्रेज रहते थे, उनके मेन मेन ऑफिसर्स रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी, और वहीं पर उनकी ये मतलब फैक्ट्री की तरह होती थी। अब फैक्ट्री आप इसको वैसी फैक्ट्री मत मानना कि मजदूर लगे हुए हैं, वैसी फैक्ट्री नहीं थी ये, मतलब पूरी बसावट थी अंग्रेजों की, उसको फैक्ट्री बोलते थे यहाँ पे। ठीक। तो ये फोर्ट बनाए गए, ये फैक्ट्रीज बनाई गई। अब तीनों के नाम याद रखोगे, मुंबई वाली जो है उसका नाम है फोर्ट, कलकत्ता वाली जो है उसका नाम है फोर्ट विलियम, उसके अलावा मद्रास वाली जो है उसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तीनों नाम आप नोट डाउन कर लो, इनको याद कर लो। क्लियर। तो उसके बाद ये जो है हमारी मेन मेन बातें हुई हैं
इन शहरों के बारे में। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास प्रमुख शहर हैं। अब ये कैसे बने शहर, इनमें कौन सी शैली का यूज़ हुआ था, ये सारी इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी आप उस वीडियो को देख लें, और उसके लास्ट में मैंने नोट्स भी दिए हैं, उन नोट्स को आप नोट डाउन वहाँ से कर सकते हैं। तो बम्बई के बारे में, कलकत्ता के बारे में, मद्रास के बारे में कैसे बने हैं वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं कि जो ये शहर हैं इनकी एक खास बात क्या थी। अब अंग्रेज़ जो हैं वो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे वो बहुत घबरा गए थे। अब उनके इतने सारे लोग उस विद्रोह में मरे थे, तो अब उन्होंने इन शहरों में सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा था। तो जो ये फोर्ट उन्होंने बनाए हैं, जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में अलग अलग नाम से फोर्ट हैं, इन फोर्ट के आसपास के जितने भी एरिया था ना, खेत वगैरह, उन सबको काट कर प्लेन कर दिया गया था। बहुत एरिया इन फोर्ट के आसपास खाली छोड़ दिया जाता था ताकि सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से हो पाए। इनकी दीवारों पर अंग्रेज सैनिक तैनात रहते थे हमेशा, खाली एरिया इसीलिए छोड़ते थे ताकि अगर दूर से कोई दुश्मन आ रहा है तो उस दुश्मन को देखा जा सके और अच्छे से एक्शन लिया जा सके। तो ये इनकी खास बात थी, जितने भी फोर्ट हैं उनके आसपास एक बहुत बड़ा एरिया खाली छोड़ा जाता था और बहुत दूर भारतीयों के घर बसाए जाते थे, अपने से बहुत दूर, बीच में खाली एरिया छोड़कर बाद में अंग्रेज जो है वो भारतीयों के घर बसाते थे। क्लियर, तो जितने भी फोर्ट बने उनके आसपास बहुत सारी जगह खाली छोड़ी गई और उनसे बहुत दूर बसाए गए भारतीयों के गांव या भारतीयों के टाउन, भारतीयों के शहर। ठीक, तो अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन क्या है। क्लियर, जैसे आप वो अगली वीडियो देखोगे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वाली, उसमें मैंने बताया है कि ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन क्या है, पर आप यहाँ पर भी इसको अच्छे से समझ लो कि ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर्ट, उसके बाद खाली जगह छोड़ी, उसके बाद क्या था, अंग्रेजों ने भारतीयों के गाँव बसाए थे या टाउन बसाए थे। तो जहाँ पर भारतीय रहते हैं वो बन गए ब्लैक टाउन, जहाँ पर यूरोपियन लोग रहते हैं वो बन गए वाइट टाउन, क्योंकि यूरोपियन कौन थे, अंग्रेज कौन थे, वाइट थे वो, और भारतीय कैसे थे, ब्लैक थे वो। तो भारतीय जहाँ पर रहते वो क्या बन गए, ब्लैक टाउन, और जहाँ पर ये अंग्रेज रहते हैं ये क्या बन गए, वाइट टाउन। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक टाउन वाइट टाउन में अंतर बताओ, और पक्का पूछते हैं क्वेश्चन, हमेशा ही पूछा है आज तक, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन में अंतर क्या है। तो आप बताओगे इसमें कि ब्लैक टाउन जो है वहाँ पर भारतीय रहते थे, व्हाइट टाउन जो है वहाँ पर अंग्रेज रहते थे। अब अंग्रेजों का एरिया तो पूरा हाईफाई होगा, तो यही सारी बातें आपको इसमें पॉइंट्स में बतानी है कि अंग्रेज जो है यहाँ पर इनके व्हाइट टाउन्स में अच्छी सड़कें होती थी, चौड़ी चौड़ी गलियाँ होती थी, पूरी पक्की सड़कें होती थी, उसके अलावा यहाँ पे सिनेमा घर होते थे, मूवी हॉल होते थे, पार्क होते थे, होटल्स होते थे, बार होते थे, मनोरंजन की, इंटरटेनमेंट की जो भी चीज़ हो वो सारी व्हाइट टाउन में होती थी। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था, म्यूनसिपैलिटी अपना अच्छे से काम करती थी, सारी सुविधाएं होती थी, ट्रेन होती थी, बस होती थी, रेलवे, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होती थी। उसके अलावा संचार वगैरह, टेलीफोन वगैरह, सारी फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ में होती थी। जैसे आपकी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूँ, तो जैसा रोहिणी वाला एरिया है या पूरा मेन चांदनी चौक, सीपी वगैरह, कनॉट प्लेस, ये सारा जो भी एरिया है ये बिल्कुल हाईफाई एरिया माना जाता है। तो ऐसे ही इनके भी एरिया थे, व्हाइट टाउन वाला बिल्कुल हाईफाई एरिया, और जहाँ पर भारतीय रहते हैं वो बिल्कुल बेकार एरिया, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया। तो अच्छी बातें बता दोगे सारी व्हाइट टाउन में, और जो गंदगी है, कच्ची गलियां हैं, बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, कोई पक्की सड़क नहीं है, कोई मनोरंजन की सुविधा नहीं है, बीमारियां फैली हुई हैं, नालियां ऐसी टूटी फूटी हैं, वो था ब्लैक टाउन। ये था इसमें अंतर, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। ब्लैक टाउन में भारतीय रहते हैं, गंदगी है, टूटी फूटी सड़कें हैं, कोई मनोरंजन की सुविधा नहीं है। व्हाइट टाउन में अंग्रेज रहते हैं, व्हाइट लोग रहते हैं, सारी सुविधाएं हैं, चाहे कुछ भी हो। क्लियर, तो इसीलिए अंग्रेजों ने अंतर बनाकर रखा व्हाइट टाउन में और ब्लैक टाउन में, क्योंकि व्हाइट टाउन में सिर्फ गोरे रहते थे, ब्लैक टाउन्स में इंडियन रहते थे, और ब्लैक टाउन्स को गंदगी का एरिया माना जाता था, व्हाइट टाउन को अच्छा शहरी और सभ्यता का एरिया माना जाता था। क्लियर, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, इसमें हमें इन शहरों के बारे में पढ़ना था कि शहर कब बनाए गए, कैसे बनाए गए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको ये पूरा जो चैप्टर जो लगभग कवर हो जाएगा, उसमें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और ब्लैक टाउन, व्हाइट टाउन अच्छे से करेंगे, उसके लास्ट में नोट्स आप वो उतार लेना। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजिशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है
फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।